चौबीसवां अध्याय और उसकी दसवीं आयत से लेकर सत्ताईसवीं आयत तक यू रीड दिस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन इन द वर्ड ऑफ गॉड उस नेम इज एब्राहम वॉन्टेड अ डॉटर फॉर सन, खुदा का खादिम जिसको हम अब्राहम कहते हैं जो मसी विश्वास की बुनियाद है वेन यू लुक एयर हेम ही इज डेस्परेट फॉर अ वाइफ फॉर अन वो चाहता है कि एक ऐसी लड़की मेरे बेटे से ब्याहे जो उस विजन को जो खुदा ने अब्राहम को दिया है पूरा कर पाए आई वॉन्ट टेल यू ग्रेट विजन विल नेवर बी फुलफिल्ड इन वन जेनरेशन बड़े विजन जो होते हैं वो जनरेशन लगती हैं फुलफिल करने में एक जनरेशन उसे पूरा नहीं कर पाएगी एंड एब्राहम न्यू इट कि जिस तरीके से सारा उसके साथ रही है उससे कम लड़की काम नहीं दे पाएगी कमान हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग दैट वन जैसे सारा अब्राहम के साथ जुड़ के काम करती रहती है वैसे ही इजहाक के साथ जुड़ के काम करने वाली एक लड़की होनी wow. चाहिए और जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इब्राहिम अपने एक सेवक को बुलाता है और उससे बोलता है देखो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पितरों के पास जाओ और वहां पर से जाके मेरी बेटी को मेरे मेरे बेटे के लिए एक लड़की को ढूंढ के लाना यू गो टू 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 द द द सेम प्लेस जहां से मैं निकल के आया हूं और वहां से उस लड़की को ढूंढना और उस लड़की को वहां पर से लेके आना और एलियाजर कहने लगता है कि प्रभु मेरे प्रभु मेरे मालिक अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा वो बोलता है तब तू उससे मुक्त हो जाएगा कहने लगा अगर वो लड़की आना नहीं मांगती तो क्या मैं तेरे बेटे को वहां ले जाऊंगा बोला ना 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 मेरे बेटे

Camels को, को लेके जाता है लेकर एक लंबी यात्रा पे जाता है के घर पे पहुंचता है प्लेस वेर एब्राहम बॉस वेर एब्राहम यूज टू लिव तो वह उस गांव में बाहर खड़ा हो जाता है जहां पर पानी था या जहां पर एक कुआं था जहां पर सब लड़कियां पानी भरने के लिए आती है ऑब्वियसली जब आप बहुत लंबी जर्नी करके आएंगे वेन यू कम आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी वॉट यू वॉन्ट यूट वॉर तो ये कुएं के पास आके खड़ा हुआ है और जब ये कुएं के पास आके खड़ा होता है तो कुछ होता है कुएं के पास जब ये आके खड़ा होता है तो वहां पर ढेर सारी लड़कियां आती हैं पानी भरने के लिए और ये खुदा से दुआ करता है yeah. और खुदा से पता क्या दुआ करता है खुदा अगर तूने मेरी यात्रा सफल बनाई है तो मेरे लिए सिर्फ इतना कर देना कि जब मैं किसी लड़की से पानी मांगू और वो ये कहे तुझे पिलाऊंगी तेरे ऊंटों को पिलाऊंगी तो मैं समझ जाऊंगा कि वो मेरे मालिक के लिए बिल्कुल सही पत्नी बनने लायक होगी सो नाउ आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड कि अब बाइबल में रेबका सामने आ रही है जितनी बारेका की बात होगी आप एक चीज उसके अंदर कॉमन देखोगे काम के लिए जो सही था रेडी थी वॉज स्टांड जब मैंने बाइबल पढ़ा और देखा देर वॉज नॉट वन प्लेस वेर रेबका वॉज नॉट रेडी शी वॉज रेडी And I want to tell you, she was just not ready. She was ready for the difficult task. Jitni Rebecca yaar baatiyeh, hallelujah. Tayar ho, hallelujah. And kis ke liye tayar ho? Difficult task ke liye tayar ho. Come on. Hallelujah. Who says that man is only strong? I want to show you the lady is more stronger than man. Yeah. 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 In this passage, it will show you. I am such bata rong. Achche achche admiyon ko pani nikal jaayega. Jitna usse pani nikala hai, us pani ko nikalne mein. And I'm going to show you. Now look at this. How many camels? Ten camels. Ten camels. You want to see the verse? 24, 10 Jud Bol Isliye scripture? 2410. Then he loaded Abraham's camel with all the things, expensive gift from his master, and he travelled a distance. Then he loaded. Then he went to the town of Abraham's brother Nahor and settled there.

लड़कियों में से एक लड़की को चुना और कहा कि मुझे पानी पिलाओ लुक एट द रिस्पॉन्स एटींथ वर्स हिंदी में आई वॉन्ट पुट द वर्स एंड लुक एट दिस सुनिएगा क्या था उसका रिस्पॉन्स यह था उसने कहा मालूम यह कौन बात कर रहा है बाइबल में पहली बार रेबेका ने अपना मुंह खोला है बाइबल में पहली बार रेबेका ने अपना मुंह खोला है लेडीज जैसे ही मुंह खोलें आपके मुंह से क्या निकल रहा है पाफो. क्योंकि जब आप पहली बार मुंह खोलेंगी पाफो. आपके पहली बार मुंह खोलने से पता चल जाएगा आप क्या करेंगी लुक एट दिस। उसने कहा हे hey, मेरे प्रभु लुक एट द शी इज एड्रेसिंग कमान लुक एट द वे शी। हे मेरे ये जानती नहीं है hmm. इसने पहले कभी मुलाकात नहीं करी है hmm. उसने ये बताया नहीं है मैं कौन हूं hmm. बस इसने किसी आदमी को देखा है ये ऊंटों के साथ खड़ा है थका है परेशान है और कह रहा मुझे पानी दे wow. मैं जरूरत में हूं शी इज अजमेन ये जानती है कि जरूरत है hmm. और ये जानती है कि किस तरीके से बात करनी है hmm. ये उसकी तरफ देखती है एंड लुक एट शी इज टॉकिंग हे hey, मेरे प्रभु मैंने भी सोचा कि खुदा बाप अगर मेरी पत्नी ने इस तरीके से लोगों को ट्रीट नहीं किया होता हे मेरे प्रभु तो यह कलीसिया चौपट हो गई होती पर मैं खुदा का शुक्र करता हूं पहले दिन से उनको जो हमें प्रभु की तरह ट्रीट नहीं करेंगे हमने उनको हे प्रभु हे प्रभु करके रखा एंड शी टूट डिफिकल्ट मोमेंट्स हे प्रभु वे रेब का स्टॉकिंग हे प्रभु मेरे प्रभु ले पी ले। hmm. आपको मालूम है कि जब वो अपना जग लेके पानी भर के लाई है ये वैसी वाली जगह नहीं है जहां पर आपने खट से कोई मशीन डाली और पानी अंदर चला गया अब वो जग अंदर चला गया वहां से लपेटा और घसीट के ऊपर कर लिया ना ना, ना, ना। जो वो वाली वेल्स की बात हो रही है ये ऐसी वेल्स हुआ करती थी जहां पर आपको सीढ़ियों से नीचे जाना है और वहां से पानी भरना है और पानी भर के जग में उठाना और वापस ऊपर आना है और जब ऊपर आई है और घर जा रही है ये थका देने वाला काम है ये थका देने वाला काम है ये ऊपर आई और आदमी को देखा और बोल रही है कि आपको पानी पीना है लीजिए प्रभु मैं आपको पानी पिलाऊंगी और कहने लगी और उसने फुर्ती से घड़ा उतार कर पानी तो बहुत सी लेडीज पिला देती हैं, पर होता यह कि मांगा आज तो आता कल है कमाना yeah, yeah. साहब एक कप चाय बना दीजिए आ गए पी लो लियो पियो पियो तुम्हें पिलाऊंगी पानी चाहिए हमसे तो नहीं पूछा पूरे दिन किसी ने लुक एट द लेडी अरे ये तो उसका अपना नहीं है वो ऐसे पैसे पानी पिला रही है कम ऑन, कमान हम अंडरस्टैंडिंग ये दिस लेडी दिस मैन डज नॉट बिलोंग टू हर इस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानती है पर बोलती है मैं तुझे पिलाऊंगी और कह रही है कैसे पिलाऊंगी तुरंत अपना खड़ा उतार के तुरंत राइट ना बहनों घर तुम्हें अपना बनाना है बी रेडी एंड बी रेडी विद अ गुड हार्ट अभी पिलाऊंगी और तुरंत पूर्ति से घड़ा उतार कर हाथ में लिए लिए उसको पिला दिया ये नहीं ये ले घड़ा रखा है पी लो फिर वापस दे देना हम जाके ले आएंगे <laughs> पानी चाहिए आपको <laughs> वो घड़ा रखा है निकाल लीजिए अपने आप पी लीजिएगा पी लीजिए वहां पर रख दीजिएगा जितना हम लेके आए नीचे से भर लीजिएगा पानी पीना है मेरे पास घड़ा है घड़ा ले लीजिए भाई मैं तो मैं तो लड़की हूं कैसे नीचे जाऊंगी फिर ऊपर लेके आऊंगी थक जाऊंगी नाजुक कली मैं कैसे कर पाऊंगी ये लीजिए घड़ा आपके पास आदमी है जो खड़े हैं ये भी तो घड़े ही जैसे दिख रहे हैं ये क्या करेंगे मैं इनको पिलाती रहूंगी ये लीजिए जग तुरंत लीजिए जग लेडीज क्या करती हैं अक्सर उठा जग उठा के तुरंत हाथ में देती अच्छा पानी पीना लो पियो हमें पिला देना ना ये अपना जग उतारती है उसे पानी पिलाती है और बात यहां खत्म नहीं हो जाती है गो टू वर्स जब वह उसको पिला चुकी पानी पिला रही है उसको पानी पिला रही है जग से जब उसको पिला चुकी तब कहा मैं तेरे ऊंटों के लिए भी मैं तेरे ऊंटों के लिए भी तब तक पानी भार भार कर लाऊंगी माय oh गुडनेस oh. मैं तेरे ऊंटों के लिए भी तब तक पानी भार भार उसको मालूम है कि एक बार नहीं भैया ये वाला ऊंट बहुत खाता पीता है कुछ लोगों के घर में ऊंट आए कि नहीं आए भाई मेरे घर में ऐसे ऐसे ऊंट आए हैं स्ट्रॉ से नहीं पीते हैं वो उनका मुंह स्ट्रॉ होता है आप देखिए वो जहां हाथ और मुंह लगा देंगे सट से गायब हो जाएगा वो ऊंट को नहीं ऊंट उट नहीं ऊटो को वो भर के नहीं भर भर अंडरस्टैंडिंग एक ऊंट तो हर औरत तो झेल लेती है इनफैक्ट right. एक के साथ रह रही है

I have seen Rushita. I was sitting with my friends, and they were from Nigeria. And they were big. And they were tall. And Rushita has prepared the food, almost four kgs, and it's all finished. And at the end, I said to her, दही ले आओ फेट के चीनी में और मैंने बोला एक गर्म रोटी बना देना और उसके बाद हमने एक गर्म रोटी खाई दही चीनी के साथ बाय अच्छा बहुत लगता है और मेरे नाइजीरियन फ्रेंड ने भी खाई फ्रेंड्स ने दिस इज गुड दिस इज गुड रुशता दस गायब अगली दस भी गायब अगली दस फिर गायब अगली दस फिर गायब शी मेकिंग टिल द टाइम एक एक ऊंट ने खा नहीं लिया खमान 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 यू वॉन्ट टू नो हाउ दिस मिनिस्ट्री लुक्स सो ब्यूटिफुल एक रबे का है एक रबे है घर पे जो तुमको पानी पिलाती है और तुम्हारे ऊंटों को सुनिए भर भर के पानी पिलाती है। कमाल right. मेरी दुआ है मेरी बहन कि तू सिर्फ पानी पिलाए ना पानी भर भर के पिलाए पानी भर भर के पिलाए एट दिस 20 20th आयत देखिए। तब वह फुर्ती से अपने घड़े को जल के हद में उंडेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई लुक एट दैट वर्ड दौड़ गई जा तो रही हो सब्जी लेने के लिए <laughs> कहा हो अभी पहुंचे थोड़ी ना है पहुंच जाएंगे तो बताएंगे अरे इतने मेहमान चले जाएंगे तुम्हारे हैं खुद देखो कमान hmm. 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 yeah. yeah. Look वुड that wow. दौड़ गई और उसके सब ऊंटों के लिए पानी कैन आई टेल यू समिंग शी वॉज अ फिनिश कमान वो तो सिर्फ स्टार्ट अच्छा नहीं करती है स्टार्ट बहुत लोगों ने अच्छा किया है शी इज द फिनिशर रेबेका इज अ फिनिशर वुमेन ऑफ गॉड एवर यू स्टार्ट फिनिश इट अप बेटा कॉलेज पढ़ने जा रही हो ऐसे पढ़ाई करो कि फिनिश करो Hallelujah. नौकरी करने जा रही हो ऐसे करो कि फिनिश करो Hallelujah. कुछ लड़कियां बोल रही होंगी हस्बैंड के लिए कुछ नहीं बोल रहे उसको फिनिश करने के लिए नहीं कह रहे जब मैं छोटा तो मेरे पापा अक्सर मुझे बोलते थे सुनो शायरी सुनाओ शायरी सुनाओ शायरी सुनाओ तो मैं बोलता था पापा पानी भरते हैं पाइप से पापा हा हा, हा 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 अब मेरा बेटा बोलता है पापा शायरी सुनाओ शायरी सुनाओ पानी भरते हैं सेब काटते हैं भाइयों क्या जमाना आ गया है मार खाते हैं अपने कमान 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 कमान, भैया जमाना बदल रहा है ऊंट ना लेके जाना है ये ऊंट का कीमा बना देगी पर घर बनाना है तो रेबेका कमांड अगर घर बनाना है रेबेका 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 दौड़ जा भर ला पानी भर ला पानी जो तू करेगी उसका रिवॉर्ड मिलेगा कमांड जब तू काम करेगी तो उसका रिवॉर्ड मिलेगा रिवॉर्ड सुन लीजिए अच्छा कितने लोग तैयार कमांड रेबेका बी रेडी जो रिपेका रेडी नहीं उसे नहीं मिलेगा सुनिए बाईसवीं सुन आए ट्वेंटी सेकेंड ट्वेंटी सेकेंड भाई मेन मेन चीजें दिखाएंगे देखिए तब ऊंट पी चुके देख रहे होंगे पीने के बाद ऊंट भी गवाही दे रहे हैं क्या बंदी है यार मुझे पिला डाला इसने जब ऊंट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोले, सोने और ये वर्स काट दी तुमने बेटा रेबेका नहीं है तेरी अनिल भैया इसकी रेबेका मैं लेके आऊंगा मुझे भेजिएगा पढ़ देता हूं मैं आपके लिए ये वर्ष ही मार डाली मेरी उसने आधे तोले सोने का एक नथ लेकर उसको दिया आधा तोला कितना होता है सब ने कह दिया बा मालूम नहीं है अभी आधा तोला कितना होता बताओ कितना होता सोना है ना इसलिए सोना है आवाज हां कुछ लोगों के लिए सोना अलग ही चीज होती है <laughs> <laughs> आधा तोला 6 ग्राम होता है कितना होता है 6 ग्राम आ, आधे तोले की नथ निकाली और नथ दी और फिर आपको मालूम क्या किया 100 उसके बाद उसने आधे तोले की नथ निकाली और उसे दी और उसके बाद उसको कंगन दिए और कंगन तो लेके के दस्तोले के अब मैं आपको इसकी मैथ्स दिखाता हूं ये मैंने कल की निकाली है मैथ्स वो कैन वी पुट अप द विनीत कैन वी पुट अप द मैथ्स आधे तोले वाली आधे तोले वाली ठीक है उन लोग को लगाने में शायद देर लगेगी पर मैंने अपनी मैथ्स कर रखी है यहां पर मैथ सुन लीजिए आधा तोला आज की तारीख में हाफ आधा तोला ग्राम होता है सिक्स ग्राम मैंने कल देखा था गोल्ड का रेट <laughs> खाली नाक में छब्बीस हजार नौ सौ दस का माल लटका रखा है 6,910. वाव अभी नहीं अभी वाव वाव होएगा सुनिए आओ वाव सब आ जाएगा बाहर ये तो खाली नाक के लिए थी ये पता किस लिए था ये इसको पानी पिलाने का था दो जन को पिलाया था बेबी आदमी को पिलाया तूने तो 26,000 का मिला पर उसने पता क्या किया दौड़ दौड़ के ऊंटों को पिलाया तो उसने बोला ना इसे कंगन भी दूंगा hmm. दस तोले के कंगन दिए hmm. दस तोले के कंगन का दाम hmm. दस तोला होता एक सौ चौदह ग्राम hmm. आज की तारीख में कल की तारीख में 14 ग्राम की कॉस्ट है पांच लाख छत्तीस हजार आठ सौ छब्बीस रुपए wow. ताली बजाइए का के लिए कमाल सुनो so no. yeah. आदमी को पिलाया 26 मिला ऊंटों को पिलाया पांच के ऊपर मिला <laughs> मिलेगा जरूर कमान right. मिलेगा जरूर ये तो तुम्हारे ऊपर यस रुश्ता योर रिवॉर्ड इज कमिंग एंड गॉड विल ब्लेस यू विद मच एंड मोर बिकॉज यू डिड इट लड़कियों को क्या अच्छा लगता है कंगन दे दो नाक में बाली पहना दे हम सो जाए उसके बाद ना ये बरकतें उन्हीं को मिलेंगी oh. जो कुछ ना जानते हुए भी बात सुनिएगा yeah. ये कुछ नहीं जानती थी इनके बारे में yeah. पर तब भी करती गई देन यू वर्क इन द किंगडम ऑफ गॉड एंड यू नो नथिंग बट यू आर Serve with a गुड हार्ट नो पर्सनल एजेंडा All राइट right? ओके okay. वो फोटो दिखा दो जरा रिपका वाली कितनी खुश लग रही थी फोटो है दिखाई कहा दिखाई यहां तो दिखी नहीं है हमको हम उम देखना मांग रहे थे उसको आ रही है रस्ते में है ये वाली जो रेबिका है थोड़ी सी गड़बड़ है अरे आ गई ये cute. पानी पिलाया हाय 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 कैन यू इमेजिन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कम ऑन हाउ मेनी ऑफ यू कैन इमेजिन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हाँ

Uh, th this whole thing did not end there conversation is still went on are you all good yep, yep. can i go for another 15 minutes yep. 15 minutes good enough yes. okay thank you. thank you okay where are we all right 25th yeah add me peter सोने के कंगन दे दिए दे दी। फिर पूछता कुछ रहने की जगह है hmm. कुछ का बहुत तेज होती हैं। अरे नाक की नथ मिल गई पांच लाख के कंगन मिल रहे अब निकल लो hmm. 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 Yeah. ये आदमी पूछ रहा है क्या रहने की जगह है लुक एट द रिस्पॉन्स आई वॉन्ट पुट फॉर मी वर्स ट्वेंटी फाइव कहता 25. फिर उसने उससे कहा हमारे यहां पुआल और चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी है लुक एट हर कैरेक्टर। सिर्फ इसने ऊटों को खाना नहीं खिलाया पानी नहीं पिलाया सिर्फ आदमी को पानी नहीं पिलाया पर ये कह रही है पानी से पेट थोड़ी ना भरता है कमाल पानी और चाय तो सभी को बना के दे देते हैं। रही घर चलिए wow. wow. खाना भी खिलवाऊंगी कमान ब्यूरफो बियोरफो खाना भी खिलाऊंगी चर्च सर्विस यहाँ खत्म नहीं होती है हमारी और मेम साहब पांच दस लोगों को लेके खड़ी होती है दरवाजे पे बहुत अच्छी बिरयानी बनती है घर पे बहुत अच्छी बिरयानी बनती है घर पे बहुत अच्छी बिरयानी बनती है घर पे बहुत अच्छी बिरयानी मैं बाहर स्टेप आउट नहीं कर पाता हूँ और मुझे पता चल जाता बाहर बहुत अच्छी बिरयानी बनती है चलो खाना खिलाओ भाई आई वॉन्ट टू टेल यू यू नीड टू कैरी अ हार्ट कलाम बता रहा था वर्ड ऑफ गॉड इज सिंह कहने लगी कि वहां पर पुआल है तुम्हारे ऊंट खा पाएंगे तुम रेस्ट कर पाओगे खाना है घर ले गई आसान hmm. होता है बाहर सबको टेक केयर करना होम yeah. yeah. मेरे yeah. पास ढेरों ऊट हैं, ये ऊँट नहीं बैठी है वहां पूछे कुछ कुछ ऊँट बैठे हैं ये ढेरों ऊंटों को अपने घर ले जाके खाना खिलाती है उनका देखभाल करती है उनकी केयर करती है चर्च इज़ फ्लरिशिंग हाउ मैनी लर्निंग टू सर्व इज इस्टेंट कैसे सर्व करते हो अपने घर पे ये अवॉइड नहीं कर रही है ये बहाने नहीं बना रही है आ मेरे साथ चलो घर मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी मैं आपको बताना मांगता मांग जो कोई धर्म के साथ यीशु जो कोई धर्म के साथ उसका हाथ थामे हुआ है जो कोई उसकी बातों को मानता है और वो धर्मी है अगर वो प्रार्थना करेगा तो उसका प्रभाव बड़ा होगा You were born to the size you have become, he will still feed you till the time you go on the grave.